हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने जा रही हूँ सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसके बारे में मुझे जो भी नॉलेज है वो सब चीजें मैं आज आपसे शेयर करूंगी। हमें क्यों लगवाना चाहिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, और कब लगवाना चाहिए, किस सिचुएशन में लगाना चाहिए, क्यों जरूरी होता है ये हर महिला के लिए, तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और प्लीज गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अक्सर हम महिलाएं अपनी घर परिवार और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते अपनी सेहत को इग्नोर करने लगती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, अपनी सेहत से जुड़ी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि हम अपने परिवार और बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, देख लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है इसका इंजेक्शन हर महिला के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर की पहचान कैसे की जाती है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं को किसी भी उम्र में हो सकती है। इसे फाइब्रॉइड रसौली या फिर ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। 35 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को इसका खतरा सबसे ज़्यादा होता है। औरतों के लापरवाही बरतने के कारण उनमें यह कैंसर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी सही जानकारी न होने के कारण महिलाएं इस बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रही हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भी सर्वाइकल कैंसर के कारण हर साल करीब 63,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या कारण हैं और कैसे ये बढ़ता है सर्वाइकल कैंसर। ये कैंसर गर्भाशय ग्रीवा से शुरू होता है, जो धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है। सर्वाइकल कैंसर में उस समय तक लक्षण नहीं दिखते हैं जब तक ये बढ़ी हुई अवस्था में ना पहुंच जाएं। मगर फिर भी कई बार सर्वाइकल कैंसर में संबंध बनाने के बाद योनि से रक्तस्राव, पीरियड साइकिल के बीच में खून दिखना, सामान्य से ज़्यादा पीरियड होना, असामान्य डिस्चार्ज और पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ सर्वाइकल कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों के अधिक इस्तेमाल, असुरक्षित यौन संबंध, गर्भधारण के कारण HPV संक्रमण, अल्कोहल और सिगरेट का सेवन सर्वाइकल कैंसर का कारण हो सकता है। इसके अलावा यह समस्या जागरूकता की कमी और जेनेटिक कारणों से भी हो सकती है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले सर्वाइकल कैंसर है तो आपको होने के भी कुछ परसेंट चांसेस ज़रूर होते हैं, तो इसलिए आप इसका समय रहते टेस्ट ज़रूर करवाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या क्या हैं। असामान्य रक्तस्राव, शारीरिक संबंध और मोनोपोज के बाद अधिक रक्तस्राव या फिर तेज दर्द होना सर्वाइकल कैंसर का संकेत हो सकता है। और सर्वाइकल कैंसर के जो अन्य लक्षण में आता है वो क्या है वो भी जान लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर के सामान्य लक्षण भूख कम लगना, वजन कम होना, थकान महसूस करना, अनीमिया और ब्रोन फ्रैक्चर आदि भी होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में चेकअप ज़रूर करवाएं, इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। इसका जो अगला कारण है वो ये है कि पेशाब करते समय तेज दर्द होना। यूरिन थैली या पेशाब करते समय दर्द होने का मतलब है कि कैंसर आपकी यूरिन थैली तक पहुंच गया है। ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। पेड़ू का दर्द, आमतौर पर मासिक धर्म की समस्या में महिलाओं को पेड़ू का दर्द नहीं होता। ऐसे में योनि में अचानक हल्का या तेज दर्द और पीरियड्स के समय योनि में तेज दर्द सर्वाइकल कैंसर का संकेत होता है। और पीरियड्स में स्पॉटिंग भी इसका एक कारण होता है। पीरियड्स में स्पॉटिंग या संबंध बनाते समय अचानक रक्तस्राव होना गर्भाशय ग्रीवा में जलन के कारण होता है, जो कि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य लक्षण है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके लक्षण तो बता चुकी हूँ, कारण भी बता चुकी हूँ, अब जान लेते हैं सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे किया जाए। और इसका जो पहला बचाव है वो ये है, महिलाओं को चाहिए कि 30 की उम्र के बाद सर्वाइकल कैंसर की जाँच करवाएं, क्योंकि समय पर पता लगने से इलाज करवाने में आपको आसानी होगी। कि 26 वर्ष के बाद महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HPV वैक्सीन लेना चाहिए। इससे आपके शरीर में HPV नहीं फैलता है और आप सर्वाइकल कैंसर से जीवन भर सुरक्षित रहेंगी। सर्वाइकल कैंसर से बचने का एक आसान उपाय पैप टेस्ट भी है। अगर आप नियमित रूप से अपना पैप टेस्ट करवाती हैं तो आप पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकती हैं। वजन का बढ़ना भी इस कैंसर का मुख्य कारण बनता है, इसलिए मोटापे से दूर रहें। और इसके अलावा आप फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ आहार खाइएगा। सभी तरह के फ्रूट्स अपने मील्स में शामिल कीजिए, दूध पीजिए और आप अपने मील्स में ड्राई फ्रूट्स को भी ज़रूर शामिल कीजिए। कि सर्वाइकल कैंसर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी फैलता है, इसलिए पार्टनर से संबंध बनाते समय सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिएगा, यानी कि अपनी साफ सफाई का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के भीतरी व बाहरी किसी भी सतह पर हो सकता है, इसलिए अपने शरीर की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको इस कैंसर से भी बचा सकती है।
शारीरिक संबंध बनाते समय अत्यधिक दर्द व ब्लीडिंग होने और मासिक धर्म के अनियमित और अधिक रक्तस्राव होने को हल्के में ना लेकर डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे सर्वाइकल कैंसर के कारण, पहचान, लक्षण, जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपके लिए मेरी आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। हेल्पफुल लगे तो प्लीज गाइस इसे लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी, और साथ में जो बेल बटन है इसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।